चलिए दोस्तों, आज हम दूसरे लेसन की ओर बढ़ते हैं। क्लास वन चैप्टर टू। पिछले बार हमने क्लास वन का वीडियो कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। टोटल 6 चैप्टर है आप लोग के पास। ए मैन मेड मशीन, ए यूजफुल मशीन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड, द कंप्यूटर माउस और पेंट फन, ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलिए, अब हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्यूटर ए मैन मेड मशीन। अब दूसरा जो है चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर ए यूजफुल मशीन। तो ये दूसरा चैप्टर हमारे सामने है, कंप्यूटर ए यूजफुल मशीन। तो यूजफुल मशीन मतलब इसलिए कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये मशीन जो है बहुत जगह यूज होता है और हर जगह अलग अलग काम करता है। जैसे आप एक स्कूल में इसका यूज देखते हैं, एक ऑफिस में, एक हॉस्पिटल में, एक शॉपिंग मॉल में, बैंक में, तो इन सभी जगह आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, है ना। जहाँ पे अलग अलग काम होते रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, अंकल व्हाट इज द बिलिंग अमाउंट ऑफ दीज मेडिसिन। ये जो है एक मेडिसिन की दुकान है जिसमें आपको बिल के लिए बिल मांगा जा रहा है। तो वेट ए मिनट, कंप्यूटर इज जनरेटिंग द बिलिंग अमाउंट। तो कंप्यूटर जो है बिल अमाउंट जनरेट अब यहाँ करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है मेडिकल शॉप में यहाँ काम कर रहा है, जिसके थ्रू ये दुकानदार ये कौन कौन सा सामान इसके पास है वो उसका लिस्ट भी रखता है, कौन सा सामान घट रहा है उसका लिस्ट भी रखता है, प्लस जो भी कस्टमर दवा लेने के लिए आते हैं उनको ये बिल अमाउंट भी देता है ना। तो ये सारा काम कंप्यूटर की मदद से हो जाता है। एक मेडिकल शॉप में, दुकान में, कोई भी दुकान में ये काम कर सकता है कंप्यूटर। फिर यहाँ पर देखते हैं, टेक व्हाट आर यू थिंकिंग, आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ द कंप्यूटर इज यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ, लेट्स लर्न अबाउट दिस यूजफुल मशीन। चलिए, तो अब हम लोग और आगे जानते हैं कि और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इस कंप्यूटर का, है ना। तो अभी हम यहाँ पर देखें कि एक मेडिसिन दुकान में जो है कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो और भी हम बताएं कि जैसे रेलवे में टिकट बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में, है ना, बैंक में, स्कूल में, ये सब जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक कंप्यूट यूजेज ऑफ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर इज यूजफुल मशीन, कंप्यूटर जो है क्या है, बहुत ही यूजफुल मशीन है जिसका यूज बहुत जगह हो रहा है। Used many places, है ना, इट इज यूज इन मेनी प्लेसेस। कंप्यूटर का यूज कहाँ हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ, जैसे घर में, आपके घर में भी कंप्यूटर होगा। तो घर में जो कंप्यूटर है उसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, मूवी देखने के लिए, टू वॉच मूवी, सॉल्व सम, कुछ जोड़ घटाव करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप जो दुकान से सामान ला रहे हैं उसका जो है हिसाब रखते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। फिर तीसरा काम, आप गेम खेल सकते हैं, टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, मैसेज सेंड करना, रिसीव करना, आप ईमेल के थ्रू कंप्यूटर से मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मतलब आप किसी से बातचीत करना चाहें या कुछ लिख करके भेजना चाहें तो भी वो काम आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। मोबाइल से भी ये काम करते हैं और कंप्यूटर से भी ये काम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से हम लोग वीडियो कॉल करते हैं ना, तो एक तरह से ये भी क्या हुआ कि मैसेज ही हम दूसरे तक कर रहे हैं। तो पहले ये काम कंप्यूटर से ही होता था। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से हम लोग सेंड और रिसीव, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। तो ये घर में जो कंप्यूटर है हम लोग इससे ये सब काम करते हैं। क्लियर, मतलब मूवी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं, फन एक्टिविटी।
See the picture given below and write how the computer helping at home. तो चलिए सबसे पहला जो फिगर है उसमें आपको क्या पता चल रहा है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि ड्राइंग या पिक्चर है ना, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा आप। फिर दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं टाइपिंग, टाइप कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं तो टाइपिंग। और तीसरा देखिए, ये हेडफोन लगाए हुए है कंप्यूटर से, यानी म्यूजिक सुन रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं लिसन म्यूजिक है ना, लिसन म्यूजिक। आप इस तरीके से करके ये जो है एक्टिविटी बना सकते हैं। तो ये फन एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है वही कंप्यूटर का यूज, तो ये तो घर में हो गया है ना। अब जो है हम लोग स्कूल में देखते हैं कि स्कूल में क्या करते हैं। हम लोग स्कूल के लैब में जाते हैं, कंप्यूटर लैब में देखते होंगे कि आप वहाँ बहुत सारा कंप्यूटर लगा हो रहता है जिसपे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कूल में क्या यूज है कंप्यूटर का। टू टेक एंड लर्न, मतलब हम लोग पढ़ते हैं और सीखते भी हैं कंप्यूटर के बारे में स्कूल में। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, स्कूल में कंप्यूटर के द्वारा ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहने का मतलब कौन सा बच्चा कौन क्लास में है, किसके पिता का क्या नाम है, किसके यहाँ कितना फीस ड्यूज है, तो ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब आपके बारे में जानकारी जो भी कंप्यूटर रखेगा उसको कहते हैं हम लोग रिकॉर्ड। मतलब कोई भी जानकारी आप जब नोट करके लिख करके रखते हैं तो उस चीज को रिकॉर्ड कहते हैं। और जब यही काम कंप्यूटर करता है तो कंप्यूटर में वो क्या कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, उसको सेव कर दिया जाता है, सेव करना, ठीक है। तो यही चीज है आपका, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड है ना। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बारे में लिखना रखना, उसके बारे में जानकारी रखना, हर तरीके का जानकारी है ना, जैसे में फादर नेम, मदर नेम, क्लास, रोल नंबर, फी ड्यूज, फी पेमेंट का जानकारी, सारा कुछ, ठीक है। टू प्रिपेयर रिजल्ट कार्ड, मतलब आपका जो रिजल्ट होता है, जो आपने कितने मार्क्स लाए हैं, कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कितना मार्क्स लाना चाहिए था, हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया, उसके अनुसार से कितना परसेंटेज आया, ग्रेड आया, वो सारा कुछ निकाल करके एक रिपोर्ट कार्ड आपको तैयार करके दिया जाता है, उसमें भी आपका कंप्यूटर ही मदद करता है। तो ये काम भी हम लोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखे थे कि घर में क्या काम करता है कंप्यूटर, उसके बाद देखें कि स्कूल में क्या काम करता है कंप्यूटर है ना। उसके बाद अब देखते हैं कि एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स आप लोग जानते होंगे जहां पे हवाई जहाज आता है जाता है, और रेलवे स्टेशन भी आप लोग देखे होंगे जहां पर ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह आती और जाती है, उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं है ना। तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उस जाने के लिए हम लोग को टिकट रिजर्व करना होता है ना। तो हम लोग घर बैठे भी इस टिकट को रिजर्व करते हैं, और यदि जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसको, उस व्यक्ति को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना होता है ट्रेन या एरोप्लेन के टिकट को बुक करने के लिए है ना। जिनके पास कंप्यूटर है वो घर से बैठे ही कर सकते हैं इस काम को, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है क्या करना होता था, पहले जो है सबके पास कंप्यूटर नहीं होता था तो लोग रेलवे स्टेशन जाते थे टिकट को रिजर्व करने के लिए कि हमको इस तारीख को यहाँ से यहाँ जाना है ना, कहीं घूमने जाना है। तो आपको पहले से पता होगा कि जैसे आपको 20 तारीख को जाना है, आपको पटना से कहीं और जाना है तो उस स्टेशन का नाम, पटना से कोलकाता जाना है तो पटना से कोलकाता 20 तारीख बताएंगे, आप कौन कौन लोग जा रहे हैं उनका नाम बताएंगे, तो आपके लिए सीट को रिजर्व करने का काम किया जाएगा, इसके लिए वो पैसे आपसे लेंगे। तो और ये रिकॉर्ड वो रखेंगे
ताकि वो सीट किसी और दूसरे को ना मिल जाए। तो ये काम करेगा कौन? आपका कंप्यूटर। तो उसी को कहते हैं रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन होगा, है ना। टू शो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, ये सब को भी मेंटेन करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर ही करता है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, कौन सी ट्रेन कब जा रही है, है ना, कितने बजे ट्रेन स्टेशन पे आएगी, कितने बजे जाएगी, वो सब देखने का काम भी कंप्यूटर ही करता है। क्योंकि ये ट्रेन भी जो है आपके कंप्यूटर के थ्रू जुटा हुआ रहता है, जिससे उसको सारा कुछ पता चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद टू मेंटेन पैसेंजर्स डेटा, मतलब कौन कौन से ट्रेन में यात्री हैं, कौन कौन लोग जा रहे हैं, वो सब का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर रखता है। किस ट्रेन में कितने लोग जा रहे हैं, कितने सीट खाली है, कितना उनका नाम क्या है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड रखने का काम अब किसका है? कंप्यूटर का। तो स्टेशन पे ये जो कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, ये सब सारा काम कंप्यूटर करता है ना। तो चलिए अब हम लोग फन एक्टिविटीज चलते हैं। जब हम लोग द रेलवे टिकट सोन बिलो वाज बुक्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर, है ना, ये जो टिकट है, जब हम लोग स्टेशन पे जाएंगे टिकट कटवाने, तो आपको ये ऐसा ही एक टिकट मिलेगा जिसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन, कौन सा ट्रेन है उसका नंबर, टिकट का नंबर, कौन कौन लोग जा रहे हैं उसका डिटेल, उसका सीट नंबर कौन कौन सा है, सारा कुछ इस टिकट में ही डिटेल दिया हुआ रहता है ना, इस टिकट में ही डिटेल दिया हुआ रहता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आंसर है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर आपका देखिए, ये आपका है ट्रेन नंबर, ये है आपका ट्रेन नंबर है, ये देखिए गाड़ी संख्या, यहाँ आपको धुंधला थोड़ा दिख रहा है ना, लेकिन ये जो है गाड़ी संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें अच्छे से दिखेगा, 1701, है ना, ट्रेन नंबर 1701। और उसके बाद टिकट नंबर, टिकट नंबर यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको है दिया हुआ है ना, ये टिकट नंबर 01322346, है ना, तो उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये चीज हो गया, तो ये सब सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ रहता है, क्लियर। तो आज इतना ही इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे और कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।